हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि 4:30 बजे ठीक हमें पहुंचना है। कहाँ भाई, ट्रेन है हमारी, बताया था ना। तो हम जा रहे हैं गोवा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। अभी नींद आ रही है बहुत भयानक कसम। वही पानी है ना, बर्फ का पानी निकल रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ठंडी अभी है मैंने भाई। सोचा ये कॉलर वाली टॉप पहन लेती हूँ ग्रे कलर की, और साथ में जीन्स पहन लेती हूँ, है ना, सिंपल एंड शोवर। अच्छा, ट्रेन गाइस के लगेज लिए। वगैरह सब पैक हो गई है, 2 बैग हो गए, 1 ट्रॉली हो गई मेरी। सो गाइस, मैं भी हो गई रेडी, चलो चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है। अब से मेन ट्रिप स्टार्ट होने वाली है मेरी। बहुत लोगों से मिलूंगी, नए नए लोगों से, काफी ज्यादा मजा आएगा, है सो ना। गाइस, मेरी कैब भी आ गई है, चलो चलते हैं। चली जाऊंगी भैया। सो गाइस, हम आ गए स्टेशन के पास। ये देख रहे हो स्टेशन का नाम, देखो यहाँ पे एक दरगाह, इसलिए स्टेशन का नाम ये पड़ा है। भैया बता रहे थे मुझे कैब वाले, चलो चलते। सो गाइस, स्टेशन पे सबसे पहले मैंने पिया चाय, और ये भैया को आप देख सकते हो, अभी दिखाऊंगी। तो ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ना मेरा सूटकेस जो है ना ऊपर पहुंचा दिया सीढ़ी से। थैंक यू सो मच यार, कोई हेल्प करने ही नहीं आ रहा था। ऐसे कम लोग मिलते जो हेल्प कर देते हैं ना। सो यहाँ पे हम जा रहे थे, हमारी ट्रेन आ गई। हमारी ट्रेन आ चुकी है और मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है यार। और सब लोग बैठ गए हैं इसके अंदर, अपनी सीट ढूंढ रही हूँ यार। सो गाइस, सोलो ट्रिप है, बट मैंने ज्वाइन कर लिया है ट्रैवल ग्रुप, जिसमें हम सब साथ में जा रहे थे। 50 लोग साथ में जा रहे थे। तो मेरे डब्बे में कौन थे? मुझे ये वाली सीट मिल गई, थैंक गॉड। ये सीट बहुत अच्छी रहती है। तो देखो, मैंने चद्दर वद्दर लगा लिया। चलो खाते हैं, टाइम पास हो जाएगा यार। सुबह का टाइम है वैसे भी, देख रहे हो सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। नींद आ रही है यार सुबह सुबह, सबको उठने का दिल कहाँ करता है। तो भाई जी, भैया काफी अच्छा, देखो इन्होंने मेरे को लेस दिया, देखो। ट्रेन में तो यही होता है, खाओ पियो सो जाओ। सो गाइज, अभी हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। ये देखो, इसमें अपने टोकरी से ना कुछ निकाल रहे हैं, इसमें बहुत सारा चॉकलेट लेके आए हैं। ये बता, डोरेमोन का पॉकेट बोल लो इसको। सो यहाँ पे भैया लोग ना पराठा लेके आए थे, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। सो ट्रेन में ना सफ़र काफ़ी अच्छा हो गया था, बिकॉज हमें एक फैमिली मिल गई थी। इतना क्यूट सी बच्ची थी, इतनी छोटी सी ना बोलने लग गई थी, मैं देख के पूरा शॉक्ड गया। अरे बहुत बच्ची सी थी। तो यहाँ पे ना स्पीकर थी, तो हमने गाना सुना, गाना सुनते सुनते एंजॉय किया। सो गाइस, अभी केक खा रहे हम, देखो फिर से पिटारा निकल गया, देखो डोरेमोन का पिटारा। यहाँ पे मैंने अमरुद खाया, भैया लोगों ने मूंगफली लाया था, तो टाइम पास हो गया, मूंगफली भी खाया। फिर यहाँ जब मैं चॉकलेट खा रही थी ना, तो किसी की नज़र मेरे ऊपर थी। दिखाऊँ किसकी थी? इनकी। तो चलो हम लोग चॉकलेट खाते हैं। बाकी यहाँ पे हमने खाया चना, बहुत ही डिलीशियस सा था। फिर यहाँ पे थम्सअप चिप्स पिया। यार ऐसे अच्छा हो जाता ना सफ़र, जब आपको कुछ लोग मिल जाए जिनसे आप बात करते करते अपने सफ़र काट लो। फिर यहाँ पे मैंने चिप्स खाया, तो भैया की मैन्युफैक्चर चिप्स की तो हमने खाया। फिर यहाँ पे भैया ने डोमिनोज की पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी, तो सबके लिए कर दिया था। तो यहाँ पे हम थम्सअप के साथ पिज़्ज़ा इन्जॉय किए। तो मेरा फेवरेट है कॉर्न चीज़ ब्रश, सो थैंक यू सो मच, इन लोगों ने मेरा बहुत बहुत केयर किया। एंड फिर हमने खाया चॉकोलावा केक, इसमें से जो लावा निकल रही थी ना गर्मा गर्म, वो भी ट्रेन में, खा के मेरा पूरा दिल खुश हो गया यार। वैसे भी डोमिनोज की पिज़्ज़ा और चॉकोलावा केक तो मेरी फेवरेट है, आपको तो पता ही है ना गाइज। सो गाइज, अभी आने वाला है करमली स्टेशन, हम वहाँ पर उतरेंगे, फिर वहाँ से शायद बस से हम गोवा जाएंगे। तो सब लोग उठ चुके हैं सुबह का समय, ये देखो सब पैकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग हैं, 50। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, सुबह हो गया है देखो, और अभी हम लोग उतरने वाले हैं। कौन से स्टेशन पे उतरेंगे? करमली स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से हम बस से जाएंगे गोवा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारे लोग हैं आप देख सकते हो। तो ये भैया लोगों के साथ हम रात को रहे थे, और इन लोगों ने मेरे बहुत ज़्यादा मुझे खिलाया कि मेरा पेट दुखने लग गया। बताओ, इतना खाया ना मैंने, मेरा पेट दुख रहा है। 15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। ये भैया बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, देख रहे हो। आ गई हम स्टेशन पे, देखो सारे इतने सारे सामान, और भी लोग हैं बहुत उस तरफ भी है। अब सब पलटन जो है बस में बैठे थे, क्योंकि 50 लोग थे ना दूसरे दूसरे बस में थे सब। अभी हम चल चल के आए हैं, क्योंकि इस साइड पे ना बस नहीं आती है। तो कुछ तो विला जैसा है, मतलब एक विला में हम लोग 3 लड़कियां रुक जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पे पहुंच गए। चलो आपको रिजॉर्ट यहाँ से स्टार्ट है हमारी, सबकी रूम दी गई है सबको, तो हम एडजस्ट किए। अरे खुल नहीं रही है,
मेरे साथ तीन बंदी और से मिलो। हाय, अपना नाम बता दो यार मुझे। प्रियांशी। ओके, ये हमारे रूममेट्स हैं। आपके नाम? आयुषी। तो हम साथ में काफी मजा करने वाले हैं और हमारा रूम टूर देती हूँ आपको। यहाँ पे दो बालकोनियां देखो, एक ये वाली है, हमारा कोना वाला है ना रूम, तो हमें दो बालकोनी मिली है। इसकी डिजाइन भी कितनी प्यारी है, देख रहे हो? चलो ये वाली भी दिखाते हैं। ये रही, देख रहे हो कितनी प्यारी सी रिजॉर्ट है ये। हम चारों के लिए काफी है, ये प्यारी सी। गाइस, मुझे बहुत अच्छे रूममेट्स मिले हैं। देखो, मुझे जूस दिया है इन्होंने। चलो जूस वूस पी लेते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट का इंतजाम नहीं है यार, हमें खुद ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर करनी पड़ेगी जोमेटो वगैरह से। कोई नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सब बेड है, उस साइड पे भी देख रहे हो, सबकी अलग अलग रूम दी गई है। तो गाइस, अब हम खाएंगे बर्गर। ये हम ब्रेकफास्ट में बर्गर खा रहे हैं। ये मैकडी के लिए नॉर्मल वाले जगह की बर्गर है ना। यहाँ गाना बज रहा है। कहाँ से मंगाया है? स्ट्रीट से मंगाया गया कोई? शिकागो। ये बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करना अगर आपको आओ तो, शिकागो से। तो गाइस, अभी हम नहा लिया हुए, हम पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं। चलो सबको दिखाती हूँ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगी। ये देखो, ये कितनी प्यारी लग रही है। इधर देखो। हाँ हाँ हाँ, ये अभी नहा कर आई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है बिना मेकअप के। यहाँ पे ये भी रेडी हो रही है, ये देखो। तो आज मैं ये पिंक कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। चलो पहन के। हमें बहुत ज्यादा गर्मी और धूप भी है, तो हम सनस्क्रीन लगाएंगे। सो गाइज, अभी हम सब हीरोइन बनने वाले हैं, मेकअप करके देख रहे हो, सभी लोग मेकअप कर रहे हैं। चलो लेके चलो सबके पास। यहाँ पे क्या लग रहा है? फाउंडेशन। वाओ, एक्स्ट्रा ब्यूटी। इनके फेस बहुत शाइनी कर रहे, कैसे कर रहे बताओ, कैसे कर रहे हैं? राज जानना हमें भी शाइन करें। मिक्सिंग अ पिंच ऑफ क्रीम विद माय फाउंडेशन। कौन सी क्रीम? हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। कोल्ड क्रीम का है ये। ठीक है, हम भी लगाते हैं। मिक्स करके राज पता चल गया है गाइस, ये वाला मिक्स करोगे फाउंडेशन के साथ चमक जाएगा। लेट्स सी होता है गाइस। लिपस्टिक की शेड तो बहुत ज्यादा अच्छी है। आगे की कर रही हूं यार, फिर मैं यहां पे ये स्ट्रेट कर रही हूं हेयर। मैं भी करूंगी हेयर स्ट्रेट। हां, ये अभी भी लिपस्टिक लगाने में लगी है। और ये सामान सामने में। अच्छा, एंकलेट पहन रही है। वाओ 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 वाओ। गाइस, फाइनली हम लोग सब रेडी हो गए। देखो इतना अच्छा मेकअप हुआ आज, है ना। और लिपस्टिक तो मेरे को बहुत प्यारी लगी। ड्रेस भी कैसी लगी आप बताना, फुल लुक आपको। स्लीपर मैंने ये पहनी, ये सरोजनी मार्केट से जो लिया था वही है। बहुत ही अच्छी स्लीपर है, देखो। हमारी गर्ल्स गैंग, सब एक एक करके। गाइस, यहाँ पे रेंटल स्कूटी मिलती है, गाड़ी मिलती है, तो हम गाड़ी कर ले रहे रेंट वाली, ताकि हम सब साथ में जा सकें। ये रही हमारी रेंटेड कार, देखो हम सब रेंटेड कार। पर पर्सन यहाँ पे 1900 ले रहा है हम लोगों का, तो 1300 लगेगा वैसे सिक्योरिटी के लिए। 1900 ले रहे ये लोग। तो अब जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है यार कार में भी, है ना। तो दो दिन का कर लिया है, आज कल और परसों में देना होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे अंजना बीच, आपको घुमाएंगे कैसी है कैसी नहीं, है ना। ये साथ में हमारे और वो दो बाकी दूसरी गाइस। हमें भूख लग रही थी इसलिए हम लोग आए रुद्रा प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाने। गाइस, हम खा रहे हैं पाव भाजी। इसे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है ना, इसका मूड पता नहीं क्या हो गया यार। बाकी ये क्या खाएंगी? पराठा, आलू के पराठे, प्याज वाले पराठे। ये खा रहे हैं आलू के पराठे। सो गाइज, अभी हम बीच की तरफ, ये बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सुंदर सुंदर है, देखो लड़के क्या। गाइज, ये बीच बहुत ज्यादा प्यारी है, देख रहे हो कितनी अच्छी बीच है। यहाँ पे बालू नहीं दिख रहा है यार, देखो बालू वालू तो नहीं है, बट हाँ बीच बहुत ज्यादा अच्छी। वाओ, सो आज हम सोचे कहाँ जाए, तो हम सोचे आज पार्टी लाइफ एंजॉय की जाए, रात की गोवा की लाइफ। तो हम गए थे बागा बीच, यहाँ पे इतना मस्त पार्टी हो रहा था ना, पूरे बीच में लाइटिंग्स थी, गाना बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, सिर्फ आराम से एंजॉय करो, डांस करो, जो करना है करो, बस खाने का आपको चार्ज देनी पड़ती है। सो गाइज, अब बीच में आए हैं तो पानी के पास ना जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता ना। रात को है ना यार, मज़ा आ गया था यार। एक तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, क्योंकि गोवा में गर्मी रहती है। ऊपर से हम आ गए खाना खाने के लिए। हम खाना हमारे पैकेज में ही खाना था इंक्लूडेड, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रैवल ग्रुप में ज्वाइन किया था, तो इसमें हमें खाने में दाल मिला, नॉन वेज वालों के लिए भी थी, गुलाब जामुन थे, फल के थे, और मुझे कौन कोई तो सर्व कर रहा है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे कौन खाना सर्व कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने वे मिक्स वेज सब्जी खाई, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फाइनली हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया है, देखो अब हमें राहत मिली, हमने मेकअप भी पूरा उतार लिया, देख रहा हूँ ये। और ये सो रही, अभी सोना नहीं, हमें बीच पे घूमने जाना है ना।
पार्टी करने तो आए उदा, चलो चले। ये बहुत क्यूट है, इसके बारे में बताऊंगी ना। थैंक यू। सो हमारे रिजॉर्ट के पास एक बीच है, मैं आपको नाम बताऊंगी। वो बीच हम रात को गए थे, यहाँ पे हमने खाया मोमोज गर्मा गर्म। अब सोने की बारी हो गई थी, तो गुड नाइट एवरीवन। हम चारों लड़कियाँ एक साथ सो गए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और एक अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो यार आप लोग वेट क्या करो ना, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं अभी, तो बहुत मज़ा आने वाला है।